पासपोर्ट बनाने के लिए आए हैं मॉरिस टाउन में, तो यहाँ पोस्ट ऑफिस आए हैं मॉरिस टाउन की। $160 का हमने बनाया है अपना पे ऑर्डर, मनी ऑर्डर, और अभी हम यहाँ जा रहे हैं अपना काउंटी ऑफिस में। काउंटी ऑफिस यहाँ का जो है, जिसमें यहाँ के मेयर भी बैठते हैं और सारे गवर्नमेंट के काम सब इन्हीं के पास होते हैं। ये मॉरिस टाउन है क्योंकि हमारा मॉरिस काउंटी है। ये हमारा टाउन बोंटन जो है वो इस काउंटी में आता है। तो यहाँ पे सारे मुसेफ पासपोर्ट और दीगर जितने भी काम होते हैं ये काउंटी में हो जाते हैं। वैसे तो अमेरिका में पासपोर्ट ऑफिस में जो है, अमेरिका में जो है पासपोर्ट जो यहाँ आप पोस्ट ऑफिस में भी बन जाते हैं, लेकिन हमने सोचा कि चलो काउंटी ऑफिस में बनाते हैं। इसकी वजह यह है कि पोस्ट ऑफिस में जाने के बाद अगर वहाँ कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है या तस्वीर खींचने वाला नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो ये भी घर के करीब ही था काउंटी यहाँ की, यहाँ ये समझ लें कि यहाँ कोर्ट भी काउंटी ऑफिस में होता है, जब मेयर बैठता है यहाँ का हमारे टाउन का। जितने टाउन काउंटी में आते हैं, 14-15 टाउन आते होंगे, उस काउंटी का जो मेयर है वो यहाँ उस टाउन का जो मेयर है इस काउंटी में बैठता है। तो अभी हमने $160 का पे ऑर्डर बना लिया है पासपोर्ट बनाने के लिए। चूंकि नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिल गया था हमें, वो टेस्ट क्लियर कर लिया था, अब यहाँ पासपोर्ट बनाना था तो हम यहाँ आए थे। आज मंडे का दिन है, इस वक्त 11:20 हो रहे हैं सुबह और मौसम भी बड़ा अच्छा है। तो अभी ये पे ऑर्डर बना के हम सीधे जो है हमारे काउंटी ऑफिस में जा रहे हैं। फॉर्म या तो ऑनलाइन भी फिल होता है और हाथ से भी फिल होता है, ब्लैंक पेन से करना पड़ता है। तो चूंकि हमने फॉर्म यहाँ से ले लिया था तो हमने फिल कर लिया है, और यह पार्किंग में गाड़ी खड़ी की थी तो मैं और मेरी मिसेज आए हैं। अब हम पार्किंग लॉट में जाके अपनी गाड़ी के साथ हम वहाँ जा रहे हैं और काउंटी ऑफिस में अपना फॉर्म भी सबमिट करेंगे और पे ऑर्डर भी सबमिट करेंगे। एक तो रेगुलर बुक होती है पासपोर्ट की, जैसे हमारे यहाँ बनता है, और एक यहाँ पासपोर्ट कार्ड भी बनाते हैं। मैंने चूंकि दोनों ही बना लिए हैं, पासपोर्ट कार्ड जो है वो इंटरनेशनल पे एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ अमेरिका में या जो अमेरिका से जो एफिलेटेड दीगर कैरेबियन वगैरह के जो ममालिक हैं उसमें आप जो है या बॉर्डर क्रॉस करना हो अमेरिका से किसी और मुल्क में जो कि इससे एडजस्टेड में है तो वो कार्ड काम आता है। जैसे कैनेडा जाना हो तो वहाँ बॉर्डर पे वो पासपोर्ट कार्ड दिखा दें, क्योंकि ये रेगुलर पासपोर्ट को कौन ले लेके घूमेगा। तो वो जो है मैंने कार्ड भी बना लिया है, उसके कुछ $20-25 कार्ड के एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, तो दोनों मिला के 160 हो गए। $160 के साथ साथ एक $50 और भी वहाँ इनकी एग्जीक्यूशन के देने पड़ते हैं, जो लाजमी हमारे घर पे इसको बाई पोस्ट करेंगे और दीगर कोई खराजात होंगे उस सिलसिले में। चले मेरी गाड़ी आ गई है, अब हम काउंटी ऑफिस की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये सामने मेरे जो है काउंटी ऑफ मॉरिस कॉम्प्लेक्स है, जो मॉरिस काउंटी ऑफ कोर्ट हाउस भी है और ऑफिस भी है। यहाँ हमारे सारे टाउन जो हैं यहाँ जो काउंटी के उसके मेयर साहब भी यहीं रहते हैं, यहीं इनका ऑफिस है यहाँ के मेयर जो हैं। तो हम ये पासपोर्ट बनाने के लिए आए हैं। November 27 की और पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट का भी सारा इंतज़ाम है और दिगर भी जो गवर्नमेंट की जो काम होते हैं वो ये हमारी काउंटी में होती है। शेरफ साहब भी हमारे इसी में बैठते हैं, इसी काउंटी में मॉरिस काउंटी कोर्ट हाउस शेरफ ऑफिस भी देखिए लिखा हुआ है, काउंटी ऑफ मॉरिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिकॉर्ड। सारा आप यहाँ का जो जितने टाउन है उसके सारे काम यहाँ पर हो जाते हैं ईजीली। अभी हम यहाँ पासपोर्ट अपना बनाने के लिए देंगे, तस्वीर भी ये लोग ले लेंगे और पासपोर्ट बनाने के लिए फॉर्म भी फिलअप कर लिया है, ब्लैंक इंक से फॉर्म फिलअप होता है। तो इंशाल्लाह
तक जाते हैं, फिर आपको मजीद तफसीलात से आगाह करते हैं इंशाल्लाह जरूर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हमारे शरीफ साहब ये सामने बैठते हैं इस तरफ, ये शरीफ साहब है, एक काउंटी हमारी, और अभी हमने सबमिट कर दिया है फॉर्म के सारे, पासपोर्ट के सारे फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट कर दिए हैं। तकरीबन 7 से 8 वीक लगेंगे पासपोर्ट मिलने में, फरवरी में मिल जाएगा पासपोर्ट बना हुआ। ओरिजिनल नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट उन्होंने रख लिया है और इसका कलर प्रिंट हमको दे दिया है ना, वो बाय पोस्ट ये लोग भेज देंगे यहाँ से। बहुत ही ठंडा और अच्छा मौसम है, सन्नाटा है, बहुत इजी तरीके से, कोई लाइन वाइन नहीं जो कि हमारे वहाँ लगानी पड़ती है। हम कराची में तो आपको पता है ना, पासपोर्ट बनाने के लिए लाइनें लगाओ ये लगाओ, यहाँ कोई लाइन नहीं। और दूसरा ये कि कोई अपॉइंटमेंट भी हमने नहीं लिया था, हम लोग वॉकिंग पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं ऑनलाइन, लेकिन हम वॉकिंग का भी अलग से काउंटर होता है, तो वहां हमारा हो गया सब काम अल्लाह के फजल से। ये देखें कितना अच्छी जगह पर है ये बना हुआ। अभी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रीट भी देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये अपार्टमेंट बने हुए हैं यहाँ पे सारे खूबसूरत अपार्टमेंट देखने जैसे सारे।